वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेनेली का या फिर कोई भी फ्यूल इंजेक्टर अगर आपका ख़राब हो गया या जाम हो गया है रखने रखे से, तो आप इस तरीके से इसे सही कर सकते हैं। तो हम पहले खोल लेते हैं गाड़ी, तो बेनेली टूट चुकी है। करेंगे हम इसमें सिर्फ WD-40 मार के दो टाइम फिर से छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें से जो भी इसके अंदर डस्ट वगैरह है जिसके कारण फ्यूल पम्प ठीक से काम नहीं कर रहा फ्यूल इंजेक्टर। तो आप सिर्फ इससे पहले जब तक आपकी गाड़ी सही चल रही है तो आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसमें WD-40 स्प्रे कर दीजिए। अगर आप सिर्फ इसे क्लीन करना चाहते हैं तो आप इसमें सिर्फ WD-40 ठीक से भर दीजिए। हम इसे थोड़ा टाइम छोड़ देंगे इसी तरीके से। आप देख सकते हैं इसमें धीरे 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 अंदर चले जाता है, बबल्स वगैरह इसमें बनने लगे हैं। आपको जैसे जैसे इसमें कम होगा थोड़ा थोड़ा इसमें WD-40 स्प्रे कर देना है ताकि अंदर चले जाए ठीक से। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स बन के धीरे धीरे अंदर जा रहा है। आप देख सकते हैं अब इसमें कितना कम हो गया, ये धीरे धीरे अंदर यहाँ पे भर जाता है। हम इसे फिर से फिल कर देंगे। आप देख सकते हैं फिन कम हो रहा है। बस आपको इसी तरीके से 2 या 5 मिनट करना है, 75 या 80 रुपीज़ का आ जाता है, 80 रुपीज़ का भी आया, इसका 5 रुपये बढ़ गया। बस आपको ये फ्यूल इंजेक्टर चेंज करने से पहले आप इसे इस तरीके से क्लीन करके देख ले। ये जुगाड़ है वो काम करता है, मैंने काफ़ी गाड़ियों में इसी तरीके से इसे रिपेयर करके दिया है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे कम हो रहा है और इसमें धीरे धीरे बढ़ते रहना है। इसमें बबल्स वगैरह शायद आपको दिख नहीं रहेंगे क्योंकि ये मोबाइल से शूट हो रहा है। दिख रहा है, देख सकते हैं इसमें लगातार बबल्स बन रहे हैं। अब इसे हम 5 मिनट छोड़ देंगे इसी तरीके से। खाली होने के बाद दोस्तों में फिर से बल लेना है, अगर ये जल्दी जल्दी अंदर ना जाए जैसे आप देख सकते हैं। जैसे इस पे टोकेंगे इसमें बबल्स बनना चालू हो जाते हैं। आपको इसी तरीके से इसको थोड़ा हल्का हल्का टोकना है ताकि इसको जाने में आसानी हो। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स बन रहे हैं। अब 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं इसे इसी तरीके से। हम इसे अब लगा के चेक करते हैं, देखिए अभी भी बबल्स बन रहे हैं, मतलब अभी भी अंदर जा रहा है। इस कारण से जो गाड़ी है झटका मारने लगती है, अगर ये फ्यूल पंप अगर ये फ्यूल इंजेक्टर ठीक से पेट्रोल ना दे ये जाम हो जाता है। जो पेट्रोल फ्यूल में जो कचड़े आते हैं वो सब जाम कर देता है इसे। तो आपको इसी तरीके से क्लीन करना है। अब इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे हम, ताकि ये जो भी पेट्रोल वगैरह जो भी इसमें आए उस देखते भी सप्लाई कैसे होता है इसका। बिना फ्यूल इंजेक्टर के भी चालू हो गई है, अरे काफी अभी पेट्रोल दे रहा है। तो
प्रेशर बढ़ गए। बस 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 हम इसे पूरा डब्ल्यू डी पट्टी नीचे गिरा लेंगे। इसका फ्यूल इंजेक्टर और ये देखिए हमने इसका कनेक्शन कर दिया। अभी सेल्फ मारने पेट्रोल ले गए, देख सकते हैं डब्ल्यू डी 40 मारने के पहले थोड़ा कम दे रहा था, अभी धीरे धीरे इसका बढ़ते जा रहा है, तो हम इसको और डब्ल्यू डी 40 मार के साफ करेंगे। दोस्तों अगर आप अपनी बेनेली का एयर फिल्टर निकाल के देखना चाहते कैसा आएगा फायरिंग, तो देखिए